भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा जिसने जमीनी राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर न केवल तय किया बल्कि अपनी लगन और ईमानदारी से सबको प्रभावित किया। आरएसएस के कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के नेता तक, सरकार में मंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, इस करिश्माई जमीनी नेता ने तमाम बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी और आज एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सशक्त किसान नेता और ओजस्वी वक्ता श्री राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह का जन्म 1951 में यूपी के चंदौली जिले में बम्भोरा गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में हासिल करने के बाद उन्होंने यूपी स्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। बाद में शिक्षक के रूप में यूपी के केवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में नियोजित हुए। अपने जीवन में प्राथमिक दिनों से ही राजनाथ सिंह आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। साल 1972 में राजनाथ सिंह मिर्जापुर के आरएसएस के प्रधान कार्यदर्शी चुने गए। साथ ही वे विद्यार्थी राजनीति में भी सक्रिय रहे। इसी बीच 1969 से 1971 तक उन्होंने गोरखपुर की एबीपीवी शाखा की भी अध्यक्षता की। 1974 में राजनाथ सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया और देखते ही देखते 1975 में मिर्जापुर के भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेपी आंदोलन में भी वे काफी सक्रिय भूमिका में नजर आए। इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी बीच उनकी माता का निधन हो गया और वो अकेले पड़ गए। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक सच्चे समाज सेवी की तरह अपनी सेवाएं समाज और राष्ट्र को अर्पित करी। साल 1977 में विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधायक चुने गए। उनके काम और लगन से प्रभावित होकर उन्हें अगले ही साल बीजेपी युवा मोर्चा की कमान सौंप दी गई। राजनाथ सिंह सन 1991 में वे राज्य के शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए। उनके इस कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए। उन्होंने वैदिक गणित को पुनः प्रचलित किया और एंटी कॉपिंग एक्ट जैसे कानूनों को लागू किया। 1994 में बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह को राज्यसभा की सदस्यता हासिल हुई। 1999 में एनडीए सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद उन्होंने एनएचडीपी यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं को शुरू किया। साल 2005 से 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। के अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। अब बहनों भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सभी कार्यकर्ताओं ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ काम किया, तो जहां पर अडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी, तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास। राजनाथ सिंह का सियासी सफर। छात्र जीवन से ही आरएसएस में सक्रिय रहे। साल 1972 में मिर्जापुर के आरएसएस कार्यवाह नियुक्त किए गए। साल 1977 में यूपी विधानसभा में मिर्जापुर से विधायक बने। साल 1988 में बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साल 1991 में यूपी की पहली बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री। साल 1994 में राज्यसभा पहुंचे। साल 1997 में यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 1999 में एनडीए सरकार में सड़क परिवहन मंत्री। साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। साल 2003 में वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री बने। साल 2005 से 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।